नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षवर्धन फिर से आपका स्वागत कर रहा हूं। आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं पावर ट्रैक का नया 434 डीएस सुपर सेवर, माने ज्यादा शक्ति, ज्यादा बचत और वो भी फटाफट काम। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम दे रहे हैं 35 किलोमीटर प्रति घंटे रफ्तार के साथ, और ये जो मॉडल हम पेश कर रहे हैं वैल्यू मैक्स मॉडल। आइए दोस्तों, इस ट्रैक्टर के अंदर टेक्निकल फीचर्स हमने क्या दिया देखे थोड़ा। इस ट्रैक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो AVL ADI टेक्नोलॉजी के साथ डीजल सेवर का स्पेशल इंजन उपलब्ध है, और ये है 3 सिलेंडर का इंजन। और ये 3 सिलेंडर का इंजन जो हम प्रदान कर रहे हैं ज़्यादा शक्तिशाली है, मेंटेनेंस ना के बराबर है, और जैसे नाम और ब्रांड आपको बोलता ही है डीजल सेवर है। और इस इंजन को डीजल प्रदान करने के लिए हमने माइको बॉश का इनलाइन पंप प्रदान करते हैं। इस पंप को मेंटेनेंस फ्री करने के लिए हम इसके अंदर ये वाटर सेपरेटर देते हैं, ताकि पंप में पानी जाने से ये बचाता है और शुद्ध डीजल इसके अंदर प्रदान करता है। और इस इंजन को ठंडा रखने के लिए कारो वाला कूलिंग सिस्टम हम प्रदान करते हैं, इसको बोलते हैं रिकवरी बोतल। इसके अंदर आप देख सकते हो हरा रंग का है, ये पानी नहीं, ये कूलेंट है, माने आपको बार बार इसमें पानी डालने की झंझट नहीं आएगा। इस ट्रैक्टर के अंदर देखोगे दो स्टेयरिंग हमने दिया हुआ है, ये सिंगल ड्रॉप आर्म के साथ, जो हम बोलते भी हैं इजी स्टेयर। इसका माने ये आसानी से खेत में कट जाती है, घूमने के लिए आसान होता है, और छोटी से छोटी खेत में भी आसानी से घूम सकते हो और ज़्यादा जोर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। और इस ट्रैक्टर में आगे की तरफ हम बात करें तो हैवी ड्यूटी बम्पर कंपनी फिटेड आपको प्राप्त होता है। करीब करीब 80 किलो इसमें वजन है, और इसमें आगे की तरफ भी हमने टोइंग का एक हुक भी प्रदान किया हुआ है। एक रोबस्ट लुक भी लगता है, और ज़्यादा वेट आगे ऐड करने से बैलेंसिंग भी बढ़िया बनता है। इसके साथ जो पीछे जो फ्रंट एक्सल सपोर्ट है, ये भी एक पूरी की पूरी कास्ट आयरन सपोर्ट है। यहाँ से लेकर पीछे इंजन बेड तक एक ही पीस है। करीब करीब 110 किलो की वजन मिलता है आपको, तो ये ट्रैक्टर की बैलेंसिंग में भी बहुत काम का होता है। इसकी फ्रंट एक्सल की अगर बात करें तो आप देख सकते हो पूरा का पूरा बॉक्स टाइप हमने फ्रंट एक्सल दिया है। ये बॉक्स टाइप का फ़ायदा ये है कि ये बहुत ही मजबूत होता है, पकड़ बहुत अच्छी रहती है, कितने भी हैवी ड्यूटी का काम करो झेलने की क्षमता इसमें ज़्यादा होता है। आगे की तरफ ब्रांडिंग की अगर बात करें तो पावर ट्रैक का हमने इतनी अच्छी तरीके का डेका लगाया हुआ है। स्कॉट का ब्रांडिंग का एक सिल्वर कलर मेटालिक का ई लोगो हमने आगे की तरफ इतनी सुंदर से लगाया हुआ है। और इसकी जो फ्रंट ग्रिल भी देखिए, ये वेवी फॉर्म में है, इसका मतलब ज़्यादा हवा अंदर जाने के लिए सुविधा प्रदान किया गया है। इसमें ऑयल बार टाइप एयर फिल्टर 3 लेयर फिल्टरिंग होके शुद्ध हवा इंजन के अंदर जाती है, तो इंजन स्वस्थ रहता है और लंबे समय तक मेंटेनेंस फ्री रहता है। और इसकी जो हेडलाइट आप देख रहे हो, ये क्लियर लेंस के साथ हैलोजन हेडलैम्प हम प्रदान कर रहे हैं। आप दिन रात काम करो, सीजन में कई बार आपको रात को भी लोड उठाना पड़ता है, तो बेझिझक आप काम कर सकते हो, और क्योंकि दूर की रोशनी इसमें प्राप्त होता है। और इसके अंदर यहाँ देख सकते हो फ्रंट एक्सल में यहाँ जो स्टीयरिंग की कनेक्शन आती है, स्क्वायर टाइप स्पिंडल हमने दिया हुआ है, मतलब चारों तरफ चाबी की तरह काम करेगा, ये हैवी ड्यूटी माना जाता है। आगे की अगर टायर की बात करें तो 6x16 की टायर है, 6 इसकी विड्थ होगी और 16 जो अंदर की इसकी डाया होगी। तो बड़े टायर बड़े बटनों के साथ, ताकि ज़्यादा स्पीड में काम कर लो और कटौती भी आसानी कर सकते हो। इसके इलेक्ट्रिकल सिस्टम में देखिए अल्टरनेटर जो हमने दिया है, 35 एम्पियर का हैवी ड्यूटी अल्टरनेटर दिया है, झटपट बैटरी भी चार्ज कर लेता है और पूरी इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए ये बिजली पैदा करता है। और लाइव हाइड्रोलिक पंप दिया, माने इंजन चालू तो पंप चालू, और ये पंप हाइड्रोलिक्स पूरी सिस्टम के अंदर तेल प्रेशराइज तेल भेजता है। और इस ट्रैक्टर के अंदर करीब करीब 1300 लिफ्ट कैपेसिटी की जो क्षमता है वो बना के रखता है। और साइड माउंटेड बैटरी बॉक्स, आसानी से आप यहाँ से मेंटेनेंस और चेक कर सकते हो बैटरी की हेल्थ, चाहे तो यहाँ ताला डाल के इसको लॉक भी कर सकते हैं। आइए दोस्तों, इस ट्रैक्टर में चढ़ के देखें सुविधा कैसा है। चढ़ने के लिए देखिए हाथ पकड़ने के लिए यहाँ है, पैर रखने के लिए इधर है, और आसानी से मैं इसमें चढ़ भी सकता हूँ और उतर भी सकता हूँ। इस ट्रैक्टर में बैठने के बाद देखिए बहुत ही आरामदायक डीलक्स सीट प्रदान करते हैं। ये 5-way एडजस्टेबल सीट है, ऊपर नीचे आगे पीछे, और मेरी वजन है 70 किलो, उसके हिसाब से इसमें कुशनिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। बोलने का मतलब
अगर मैं खुद इसको ड्राइव करूं या मेरा ड्राइवर भी इसको ड्राइव करे तो 8 घंटे या उससे 10 घंटे या 12 घंटे भी काम कर ले वो थकेगा नहीं, बेझिझक लंबा समय तक भी आराम से काम कर लेता है। और क्लच की बात करें इस ट्रैक्टर के अंदर, तो हमने इसके अंदर दिया हुआ है सिंगल क्लच। देखिए कितने आसानी से मैं इसको दबा रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर हमने प्रदान किया हुआ है डायाफ्राम स्प्रिंग के साथ। मतलब आप इसमें 100 बार भी लगाओ या 200 बार भी दबाओ तो ड्राइवर थकेगा नहीं, उसके घुटने दुखेंगे नहीं। इसका मतलब 8, 10, 12 घंटे या 15 घंटे भी काम कर ले, और ढुलाई के कामों में अक्सर ज़्यादा बार क्लच की इस्तेमाल होती है तो वो आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है। इसका और एक फ़ायदा भी है, जब आसानी से दबा सकता है तो ड्राइवर इसको पूरा दबाएगा, मतलब क्लच की उम्र भी लंबी उम्र आएगी। और इस ट्रैक्टर के अंदर सेफ्टी की बात करें तो हमने डीजल टंकी के ऊपर जो कैप लगाया हुआ है ये लॉकेबल कैप हमने दिया हुआ है। इसका फ़ायदा ये है कि बच्चे खेलते हुए इसको खोल के मिट्टी या पत्थर ना डाल दे, या आजकल डीजल की दाम इतनी बढ़ रही है डीजल की चोरी ना हो। गियरबॉक्स की अगर बात करें इस ट्रैक्टर के अंदर तो हमने प्रदान किया है आगे जाने के लिए 8 गियर और पीछे जाने के लिए 2 गियर, पूरा का पूरा फुली कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स। इसका मतलब ये है कि ट्रैक्टर चलते हुए अगर मैं गियर चेंज करूँ धीमी गति में तो आसानी से शिफ्ट हो जाता है, गियर चेंज करने के लिए ट्रैक्टर को रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा ये जो कॉन्स्टेंट मैश गियरबॉक्स का फ़ायदा ये है, जब गियर चेंज करते हो तो गिरारे से गिरारे टकराते नहीं है, घर्षण नहीं होता है, इसका मतलब आवाज़ नहीं होगा और गियर की उम्र लंबी उम्र रहेगी। इस ट्रैक्टर में अगर बात करें पीटीओ की तो पीटीओ सिलेक्शन लीवर हमने यहाँ दी है। अगर आपने इस लीवर को आगे की तरफ किया तो पीटीओ रुक जाती है, और इस पीटीओ को पीछे की तरफ कर दिया तो 540 चक्कर आपको पीटीओ में प्रदान हो जाते हैं। इस ट्रैक्टर के अंदर हमने डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर प्रदान कर रहे हैं, और डिजिटल आर मीटर मिलेगा, आरपीएम मीटर मिलेगा, फ्यूल मीटर मिलेगा, टेम्परेचर गेज मिलेगा, और ऑयल प्रेशर गेज भी प्राप्त होगा, और बहुत सारे सेंसर भी उपलब्ध होंगे। ये दिन में अलग रात में अलग आपको दिखेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने LED लाइट लगा रखी है। इस ट्रैक्टर के हाइड्रोलिक की अगर बात करें तो हम इस ट्रैक्टर के अंदर 3 हाइड्रोलिक लीवर दे रहे हैं, 1, 2 और 3। ये जो पहला लीवर है ऑरेंज कलर का लीवर, इसको बोलते हैं मेन कंट्रोल लीवर। इससे मैं उपकरण को उठा सकता हूँ, गिरा सकता हूँ और गहराई दे सकता हूँ। और जो काला रंग का लीवर जो हमने बीच में दिया है इसको बोलते हैं सिलेक्शन लीवर, या तो इसको मैं ड्राफ्ट मोड में रख सकता हूँ या इसको पीछे लिखा हुआ या पोजिशन मोड में। जब मैं इस लीवर को ड्राफ्ट मोड में रखता हूँ तो ये ऑरेंज लीवर ADDC सेंसिंग एक्टिवेट हो जाता है, ड्राफ्ट लीवर जैसे काम करेगा। उपकरण जैसे MB प्लाउ, सब सॉइलर, कल्टीवेटर जो गहराई में जाके काम करेंगे जिसमें ADDC सेंसिंग की ज़रूरत है। जब मैं ये सिलेक्शन लीवर को पीछे की तरफ करूँगा, पोजीशन में रखूँगा पीछे, तो इसमें ADDC सेंसिंग हट जाती है और ये पोजीशन लीवर जैसा काम करेगा। इसमें तभी मैं उपकरण जैसे लेवलर, रोटावेटर और बीज डालने वाला सीड ड्रिल, वैसे उपकरण जो 6 इंच के ऊपर ज़मीन के ऊपर काम करते हैं वो इस्तेमाल कर सकता हूँ। और जो लाल रंग का लीवर इस्तेमाल करोगे टिपिंग ट्रॉली के लिए, जब टिपिंग ट्रॉली को ऊपर नीचे करना होता है तो ये लाल रंग का लीवर आप इस्तेमाल करोगे, मगर याद रहे ये छोटी सी एक लॉक लगा रखी है, इस लॉक को खोलना पड़ेगा जब इस्तेमाल करोगे। ये लॉक इसके लिए लगा रखी है कि जब भी आप हाइड्रोलिक की काम कर रहे हो तो कभी भी ये उठी हुई यहाँ लिफ्ट पोजीशन में लाल रंग को रखना है, तभी आपका हाइड्रोलिक सही काम करेगा। और जब टिपिंग ट्रॉली का काम है तो लॉक निकाल के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ट्रैक्टर में देखिए हमने पार्किंग ब्रेक या हैंड ब्रेक यहाँ आदिगे की तरफ इतनी सुविधाजनक दी हुई है। जब इसको लगाना है तो आप ब्रेक पेडल को दबाइए, उठाइए और छोड़ दीजिए, आपका हैंड ब्रेक लग गया। और जब भी हटाना होता है तो आप इस पेडल को दबाइए, इसको नीचे कर दीजिए और आपका हैंड ब्रेक हट जाता है। इस ट्रैक्टर में अगर टायर की बात करें तो हम प्रदान कर रहे हैं 12x28 टायर, ताकि खेती के लिए सबसे कारगर होता है ये साइज़ का टायर, और ढुलाई के कामों में भी बहुत मजबूत होता है। उसके साथ ही हम ये जो फेंडर हम आपको प्रदान कर रहे हैं ये पूरा जाड़ा शीट मेटल के साथ 3 सपोर्ट आपको प्रदान होगा, 1, 2 और 3। तो 3 सपोर्ट के साथ जब ये फेंडर आपको हम दे रहे हैं ये इसमें बहुत मजबूती होती है, आगे आप इसमें छाता लगा सकते हो वगैरह, कितना भी लोड डाल लो मजबूती बनी रहती है। अगर पीछे से देखोगे इस ट्रैक्टर को तो इतना हैवी ड्यूटी हमने
इसकी जो बैकएंड दी हुई है, क्योंकि इसके अंदर प्राप्त होता है डबल रिडक्शन। एक तो क्राउन और पिनियन यही है, और बगल में जो हम प्रदान कर रहे हैं बुल और पिनियन रिडक्शन। डबल रिडक्शन का फ़ायदा ये है, इस ट्रैक्टर की पिछला हिस्सा मजबूत हो जाता है और जितना भी लोड पीछे से आए उसको झेलने की क्षमता इसमें बढ़ जाती है। साथ में ही देखिए, इसकी जो हाइड्रोलिक सिस्टम की बात करें तो टॉप लिंक इधर है और लोअर लिंक इधर है। तो लोअर लिंक में हमने इसमें बताया था उठाने की क्षमता हमने पूरा का पूरा 1300 किलो दी हुई है। 34 HP की श्रेणी में देखोगे तो सबसे बढ़िया लिफ्ट कैपेसिटी हमने दी है, बड़े से बड़े उपकरण आसानी से ऑपरेट कर सकता है। साथ में ही हमने इसमें जो लेवलिंग रॉड सेटिंग के जो सुविधा दी है, ये ऑटो लॉक सुविधा है। मैंने एडजस्ट कर दिया और छोड़ दिया तो ऑटोमेटिक यहाँ लॉक हो जाती है। और चक चेन दी हुई है ताकि आप एडजस्टमेंट उपकरण को बांधने के बाद जितनी चाहिए उतना एडजस्टमेंट आसानी से कर सकते हो। और इसमें जो फ्लैट बैकेंड हमने प्रदान की है, 1, 2, 3 अलग अलग पोजीशन में आप हुक लगा सकते हो, बड़ी ट्रॉली, मध्यम ट्रॉली या छोटी ट्रॉली, जैसी सुविधा अनुसार आप इसमें ट्रॉली लगा के काम कर सकते हैं। यहाँ 7-पिन ट्रॉली सॉकेट दी हुई है। अगर ट्रॉली में भी आपको पीछे की तरफ 12 वोल्ट की कनेक्शन देनी है, जैसे कि ये हैजार्ड लैंप, इंडिकेटर लैंप वगैरह लगाने, तो वो सुविधा है। और रात में भी अगर आप उपकरण को लगा रहे हो या खेत में काम कर रहे हो तो आप ये प्लो लैंप का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों, कुल मिलाकर बात यह है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ DS सुपर सेवर, माने ज़्यादा बचत, ज़्यादा शक्ति और फटाफट काम करे, क्योंकि 35 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ रफ्तार हम इसके अंदर प्रदान कर रहे हैं। आइए दोस्तों, खुद इस ट्रैक्टर को चलाएं और परखें।